नमस्कार दोस्तों, राजगोपालन वसुदेवन एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो मुख्य रूप से वेस्ट मैनेजमेंट में कार्यरत हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और इन्होंने बीएससी और एमएससी दोनों मद्रास यूनिवर्सिटी से की। सेम यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1974 में पीएचडी भी करी और उसके बाद 1975 में उन्होंने थ्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लेक्चरर का पोस्ट संभाला, जहां वे 1998 में प्रोफेसर बन गए। श्री वसुदेवन ने प्लास्टिक को यूज करके सड़कें बनाने का एक नया तरीका निकाला जो नॉर्मल सड़कों से ज़्यादा मजबूत भी थी और ज़्यादा टिकाऊ भी। आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। सबसे पहले प्लास्टिक को प्रॉपरली धोकर सुखाया जाता है ताकि उसमें वाटर पार्टिकल ना रहे। उसके बाद उसे 2 मिलीमीटर के साइज में काटकर 170 डिग्री सेल्सियस में बिटुमिनस टार और बजरी के साथ गर्म किया जाता है। चूँकि प्लास्टिक और टार दोनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं और एक मोर ड्यूरेबल टार का फॉर्म कर देते हैं। आइए इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए हमें 1 टन प्लास्टिक चाहिए और आज इंडिया के पास 41 लाख किलोमीटर सड़क है, जिसके लिए हमें 4.1 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट चाहिए। मतलब एक ही झटके में इंडिया का सारा प्लास्टिक वेस्ट ख़त्म, और प्लास्टिक को टार के जगह पर यूज करने से ये और भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। प्लास्टिक बैन पर श्री वसुदेवन कहते हैं कि हमें प्लास्टिक बैन की बजाय उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देश की 70% आबादी गाँवों में रहती है जहाँ वे प्लास्टिक की चटाई से लेकर फर्नीचर तक यूज करते हैं, क्योंकि यह सस्ती होती है। उनके बिना उनका जीवन कठिन हो जाएगा। हमें ज़रूरत है तो इसे सही तरीके से डिस्पोज करने की, और यही कारण है कि उन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्हें 2018 में पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो इंडिया का हाईएस्ट 4 सिविलियन अवार्ड है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।